उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा क्षेत्र नगर पंचायत तिंदवारी में 2.5 वर्षीय अयान साहू पुत्र संतोष साहू रहस्यमय ढंग से खेलता हुआ गायब हो गया। पहले तो ढूंढा गया, न मिलने पर थाने में बच्चे की गायब होने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा टीम बनाकर आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की। बच्चे का शव पास के तालाब में पड़ा मिला। दुर्गंध आने से लोगों ने देखा तो आयांस का शव पड़ा मिला। तब घर वालों को सूचना दी गई और पुलिस को सूचना दी। घटना से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। मौके पर सपा विधायक बबेरू विशंभर यादव, जिलाध्यक्ष विजय करण यादव, पूर्व सांसद विशंभर प्रसाद निषाद आदि समाज सेवी नेतागण पहुंचे। नाम है आपका? मेरा नाम सोनी। ये आज इतनी बड़ी घटना, ये कैसी घटना है, क्या घटना है? ये आज से 5 दिन पहले की घटना है जी। 2 बजे के आसपास ये बच्चा खोया था जी। फिर पूरा गांव और प्रशासन साथ में लगा रहा जी। खोजते रहे, बिचराते रहे, इधर उधर भटकते रहे। लास्ट में अभी पता चला कि विधायक जी के आने के बाद जी थोड़ा सा जानकारी हुई कि यहाँ पर देख लो तो वहाँ पर बच्चा मिल गया। अच्छा, तो ये क्या है रंजिश, कोई क्या समझ में आ रहा? तो नहीं कहीं जा सकते। अच्छा अच्छा, इसमें क्या, इसमें कोई खोज भी नहीं कभी प्रशासन द्वारा की गई? प्रशासन ने बहुत ज़्यादा किया। विधायक जी, क्या नाम है आपका? विशंभर सिंह यादव, विधायक बबेरू। बबेरू, जो ये घटना घटी, ये कैसी घटना है, क्या? ये बहुत ही सघन अपराध है जिसने भी किया है, और ऐसा महसूस होता है डेड बॉडी देखने के बाद उसे मार करके फेंका गया, क्योंकि जहाँ पर डेड बॉडी थी वहाँ पर वो बच्चा नहीं जा सकता, क्योंकि आगे कीचड़ है। अगर वहाँ से घुसता तो कीचड़ में पहले धस जाता किनारे पे ही। इसलिए देख करके ऐसा लगता है, आज हमारा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया था। ये अमन साहू नाम का लड़का था, अयांश नाम का लड़का जो ये गायब था, घर गए, घर में उनसे बातचीत की और घटनास्थल देखने आए। घटनास्थल देखने के बाद वहाँ पर कहाँ पर बच्चा घूम रहा था, कहाँ से उधर गए। जैसे हम लोग आगे बढ़े तो एक कुतिया किनारे पर कुछ खा रही थी और बार बार सूंघ रही थी इधर उधर। निषाद जी की, हमारे स्कूल सांसद जी की नज़र पड़ी। सांसद जी ने हमसे कहा कि विधायक जी जरा देखिए ये क्या डेड बॉडी लग रही है, क्या बच्चे की। जब गौर किया तो लगा कि ये बच्चा ही है। इंस्पेक्टर को हमने बुलाया था फोन करके, इंस्पेक्टर आए थे आए मौके पर और जब देखा तो उसके डेड बॉडी को निकाला गया और वो बच्चा है। ये दिनांक 13 तारीख को लगभग 2.5 दिन में एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल थी, खेलते हुए जो है गायब हो गया था। लगातार पुलिस इसमें जांच कर रही थी, कई टीमें बना करके उसकी खोजबीन की जा रही थी। उस दिन भी पूरी रात भर पुलिस ने खोजबीन किया। आज उसका शव उतराता हुआ एक पानी का जो तालाब था उसमें मिला है। सब पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, इसमें जांच की जा रही है। कोई क्रिमिनल एंगल होगा तो इसमें तदनुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।